नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा उसको लेकर। सेम वेन्यू पे मैच होगा, सेम वेन्यू मीरपुर जो बांग्लादेश का वेन्यू है वहां पे ये मैच होगा। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को बांग्लादेश में ही 15 साल के बाद ओडीआईज में बीट किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि बांग्लादेश में बांग्लादेश क्या कर सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग मैच होगा, मजेदार मैच होगा। कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, कुछ ग्रैनली के कैप्टनसी के बारे में बात करेंगे, जैसे कल मैंने आपको श्रेयस अय्यर को लेके बताया था गेम चेंजर, उसी तरीके से कुछ चीजें हैं हम यहां पर क्लियर करेंगे। बस एक ही चीज बोलूंगा भाई, वर्ल्ड कप आने वाला है, पूरा सपोर्ट दिखाओ, सारे लोग वीडियो को लाइक करो, सारे के सारे लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले आप देखोगे, आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो आपको जुड़ जाना चाहिए। देखिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बहुत सारे बेनिफिट है। लाइक देखिए, दिन में 2 मैच होते हैं, 4 मैच होते हैं, तो जब इतने सारे मैचेस होते हैं तो आप खुद समझदार है कि वीडियो नहीं बन पाती है, तो उन सभी मैचों की जो टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जुड़ जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल पे। सारे लोग वेन्यू शेर बंगला स्टेडियम ढाका में ये मैच खेला जाएगा। देखिए वेन्यू बहुत स्लो है, रन्स यहाँ पे बनते नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिलता है, बट शायद आपको अब वो भी ना दिखे, केवल स्पिन स्पिन और स्पिन, यानी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट ये बन चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी करते हैं ऑलराउंडर, सेम सी चीज जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ये मैचेस है आपके सामने, ये बरसात हुई थी, यहां पर भी न्यूजीलैंड ने स्ट्रगल किया था, यहां पर भी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, बांग्लादेश खुद स्ट्रगल कर गया। न्यूजीलैंड ने ऑफकोर्स 254 रन बना दिए थे, यहां पे अच्छे खासे विकेट जा रहे हैं पेसर्स को, नो स्पिनर्स को, आप देखोगे 11 20 विकेट चली गई, यहां पे 5 गई थी, केवल 34 ओवर का मैच हुआ था, तो लगभग 18-20 विकेट यहां पे देखने को मिलती है। तो बस सेम ही वही चीज है कि 18-20 विकेट जा रही है पेसर्स स्पिनर्स जो भी है ऑलराउंडर्स के साथ जाइए। ये सारा मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, 250 से नीचे रन्स मैक्सिमम मर्तबा बनते हैं, 232 का इसीलिए यहां पे एवरेज स्कोर है। अगर आप पिच सुटेबल फॉर, तो आप देखोगे स्पिन फ्रेंडली विकेट ये रहती है। हेड टू हेड मैच, लास्ट के दोनों मैचेस है, ये लास्ट मैच न्यूजीलैंड ने जीता था, यहां पर हेनरी और ब्लंडल ने अच्छा किया था, मकोन्ची ने ठीक ठाक किया, जैमिसन को 2 विकेट और इस शोरी ने भी बहुत शानदार किया था। उसके बाद देखोगे तमिम ठीक थे, मेहडी ठीक थे, मोहम्मदुल्ला ठीक थे, खालिद अहमद ने 3 विकेट और मुस्ताफिजुर को आप देखोगे तो उन्होंने भी 2 विकेट या निकाले थे। ये मैच कंप्लीट नहीं हो पाया था, यहां पे भी मुस्ताफिजुर नुशुम इन्होंने अच्छा किया था, लेकिन हेनरी और विलियम ने यहां पे अच्छा किया था। तो बैट्समैन से ज्यादा यहां पे जो ऑलराउंडर्स है, जो बॉलर्स है, यानी कि जो बॉलर्स है ना वो बैट्समैन से ज्यादा रन्स कर रहे हैं, तो आप इस विकेट को देख सकते हो कि आपके लिए गेंदबाज कितने इंपॉर्टेंट है। यहां पे 6 ओवर के पावर प्ले में भाई अच्छे, सॉरी 10 ओवर के पावर प्ले में अच्छे खासे विकेट जा रहे हैं, तो आपको यह चीज ध्यान में रखनी है, विकेट जा रहे हैं। बाकी आप देखोगे तमिम इकबाल, रिसेंट नंबर देखोगे तो बहुत टाइम के बाद खेले, लास्ट मैच में 44 था। लिटन दास देखोगे नंबर्स एकदम खराब है, तांजिन हसन के नंबर अच्छे नहीं, हरिडोए के नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन लास्ट मैच उतना शानदार नहीं गया, सौम्य सरकार कुछ खास किया नहीं, मैडी हसन लास्ट मैच बढ़िया था, मोहम्मदुल्लाह रियाज अच्छा कर रहा है, लास्ट मैच में भी 49 के लेकिन गेंदबाजी नहीं की, वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम बन गया था। नुशुम अहमद का देखोगे अच्छा कर रहे हैं, खालिद अहमद ने लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, डेप्थ में भी आते हैं। हसन महमूद का देखोगे तो हसन महमूद 1 विकेट हसन महमूद के पास थी, मुस्ताफिजुर रहमान का देखोगे तो मुस्ताफिजुर रहमान ने यहां पे 2-3-3 यहां पे आपको बल्क में विकेट दिखेगी, डेथ में हसन महमूद और खालिद अहमद है जो कि आपको डेथ में गेंदबाजी देते हैं। बैंक से मुझे नहीं लगता कोई भी चेंजेस होने लायक है, अनमल हक आ सकते हैं, केवल अनमोल हक को है वो टीम में शामिल किया जा सकता है। फुल स्टैट्स की बात करते हैं, तमिम इकबाल 25 का एवरेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वेन्यू पे 34 का, ओवरऑल 36 का। लिटन दास का 7 का एवरेज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 14 का एवरेज है वेन्यू पे, ओवरऑल 33 का। मैं अगेन लिटन दास को जाऊंगा बिकॉज विकेट कीपिंग में आपको ब्लंडल के साथ मिलते हैं, तमिम के साथ मैं इस मैच में भी नहीं जा रहा हूं, स्पेशली स्मॉल लीग में। तांजिल हसन 16 का एवरेज
न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वेन्यू पे भी 16 का ओवरऑल नोका मैं नहीं लूंगा। हरडोए 4 का एवरेज, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वेन्यू पे 4 का ओवरऑल 41 का। स्मॉल लीग में मैं इनमें से किसी को नहीं लूंगा। सौम्य सरकार 1 विकेट है 14 मैच में, 16 एवरेज न्यूजीलैंड, वेन्यू पे 18 में 38 का ओवरऑल, 62 में 32 का एवरेज प्लस 11 विकेट है। मेहडी हसन 5 मैच में 5 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट, ओवरऑल 6 में 5 विकेट है। तो मेहडी हसन को मैं यहां पे लूंगा और लिटन दास, ये दो प्लेयर मुझे यहां पे लग रहा है जिनको मैं लेके जाऊंगा। उसके अलावा अगर आपको ग्रैंड लीग में किसी प्लेयर को टारगेट करना है, आपको यूज करना है कॉम्बिनेशंस में, तो फिर कीजिए आप, तो वाहिद हरिडोई को आप है, हरिडोई को आप है वो यूज कीजिए। मोहम्मदुल्ला 28 मैच में 34 का एवरेज, 8 विकेट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 85 में 35 का एवरेज, 31 विकेट वेन्यू पे, ओवरऑल 219 में 42 विकेट है, 35 का एवरेज है। अब देखो यार, छोड़ेंगे तो ये गेंदबाजी करने आ जाएंगे। तो अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग कर रही है फिर तो मुझे लगता है आप जाइए मोहम्मदुल्ला के साथ। नुशुम अहमद 2 मैच में 3 विकेट न्यूजीलैंड, वेन्यू पे 3 में 3, ओवरऑल 10 में 10 मैं लूंगा। खालिद अहमद 1 में 3 हेड टू हेड, वेन्यू पे 1 में 3, ओवरऑल 1 में 3 मैं लूंगा। हसन महमूद 2 में 2 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 4 में 5, ओवरऑल 17 में 25 मैं लूंगा। मुस्ताफिजुर रहमान 14 मैच में 20 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे 27 में 53, ओवरऑल 92 में 154 मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट के 2 मैचेस में इनको नहीं लिया, इन्होंने विकेट निकाली है, तो मैं लास्ट मैच में भी इस पे चांस लूंगा कि 2 मैच गए तो मैं इस पे चांस लूंगा, तो मैं मुस्ताफिजुर के साथ है वो नहीं जाऊंगा। बाकी इन चारों के साथ ज्यादा जाने के चांसेस रहेंगे। बैंक से अनमोल हक आ सकते हैं, 29 का एवरेज इनका ओडीआईज में रहता है। न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 फिन एलन रिसेंट नंबर खास नहीं, विल योंग के रिसेंट नंबर खास नहीं, चैड बाउज के खास नहीं, निकल्स अच्छा कर रहे हैं, ब्लंडल के देखोगे नंबर्स ठीक नहीं है, लेकिन 2 हाफ सेंचुरी है लास्ट के 5 मैच में। रचिन रविंद्रा उतने खास नंबर नहीं, 1 के जरूर 61+4 था। कोहल मकोन्ची के देखोगे तो उतने खास नहीं है, जेमिशन के देखोगे तो उतने खास नहीं है, लॉकी फॉर्ग्यूसन के नंबर्स अच्छे नहीं है, इश शोडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट का देखोगे तो ट्रेंट बोल्ट ने भी अच्छा किया, लेकिन लास्ट मैच में ट्रेंट बोल्ट है जो कि विकेट लेस रहे थे। डेथ में जेमिशन आते हैं, फर्ग्यूसन आते हैं, ट्रेंट बोल्ट, ये सारे के सारे है जो कि आपको डेथ में गेंदबाजी दे सकते हैं। बेंच से डैन क्लीवर है, नहीं मुझे नहीं लगता कोई आना चाहिए। एडम मिलने ऑफकोर्स आने के चांसेस रहेंगे। फुल स्टैट्स फिन एलन 10 का एवरेज बांग्लादेश के अगेंस्ट, वेन्यू पे 21 का, ओवरऑल 28 का। देखिए मेरा मन है, लास्ट मैच में भी मन था इसलिए मैंने लिया, इस मैच में भी मेरा मन है कि मैं फिन एलन के साथ जाऊं, तो ये मेरे चांसेस रहेंगे कि फिन एलन को मैं टीम में रखूं। विल योंग 23 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 29 का, ओवरऑल 46 का। मैं शायद विल योंग को नहीं ले पाऊंगा इस मैच में, अगर आप चाहो तो फिन एलन को ड्रॉप करके विल योंग ले सकते हैं। चैड बाउज 7 का हेड टू हेड, वेन्यू पे 7 का, ओवरऑल 6 में 16 का नहीं लेंगे। निकल्स का देखोगे 43 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 46 का, ओवरऑल 70 में 37 का। अगर आप चांस लेना चाह रहे हो तो आप हेनरी को भी ड्रॉप कर सकते हो। जी हां, हेनरी निकल्स को आप लोग है वो ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी टॉम ब्लंडल 76 का एवरेज हेड टू हेड, वेन्यू पे 76 का, ओवरऑल 8 में 70 मैं शायद नहीं लूंगा। रचिन रविंद्रा 0 विकेट 2 मैच में हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 0, ओवरऑल 10 में 11 विकेट है। रचिन रविंद्रा उस टाइप के दिखे नहीं है कि ऐसी विकेट पे ये विकेट नहीं ले रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट लगा इनके लिए, बट मैं लेके जाऊंगा और शायद मैं इनको कैप्टनसी भी दूंगा। बाकी मैकोन्ची 2 मैच 28 रन 1 विकेट हेड टू हेड, वेन्यू पे सेम है, ओवरऑल 5 में 42 का एवरेज है, मैं मे बी मैकोन्ची के साथ जाऊंगा। जेमिसन 4 विकेट 5 मैच में बांग्लादेश, ओवरऑल 2 में 2, 12 में 12 टोटल है। लॉकी फर्ग्यूसन 8 में 11 हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 1, ओवरऑल 56 में 87। इस शोडी 3 में 8 हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 6, ओवरऑल 48 में 61। बेस्ट सीवीसी ऑप्शन रहेगा इस शोडी, समझ गए। ट्रेंट बोल्ट 13 में 18 हेड टू हेड, वेन्यू पे 2 में 0, ओवरऑल 102 में 195। अगर ले सको तो फिर ट्रेंट बोल्ट, इस शोडी और मकोन्ची, इन तीनों के साथ जरूर जाना। अगर नंबर्स बनते हैं कि आपकी टीम में फिट बैठ रहे हैं तो कायली जेमिशन भी फिर आपके लिए एक ऑप्शन बनता है जिसको आप ले सकते हैं, लेकिन इन तीनों के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया जरूर जाना। बैन से मुझे नहीं लगता कोई भी आना चाहिए। एडम मिलनी है 45 में 50 विकेट, अच्छी पेस है, लेकिन यहां पे पेस का काम नहीं है, यहां पे स्पिन का काम है। प्लेयर्स बैटल देखोगे, तमीम इकबाल ट्रेंट बोल्ट के सामने स्ट्रगल करते हैं, लोकी फॉर्ग्यूसन एक बार और क्या, इशोडी ने एक बार, रिटर्न दास ट्रेंट के सामने एक बार, कायली के सामने एक बार, तंजद हसन इशोडी के सामने एक बार, हरदोय इस शोडी के सामने एक बार, सौम्य सरकार इस शोडी के सामने 2 बार, एक बार ट्रेंट के सामने, मेहडी हसन ट्रेंट बोल्ट के सामने एक बार, इस शोडी के सामने एक बार। ज्यादा बड़े मैचअप आपको नहीं दिखेंगे। मुस्ताफिजुर ने 2 बार आउट कर दिया फिन एलन को इस सीरीज में। उसके अलावा चैड बाउज को मुस्ताफिजुर ने एक बार, खालिद अहमद ने एक बार, विलियम को मेहडी ने एक बार, नशूम ने एक बार, मुस्ताफिजुर ने एक बार,
हेनरी निकल्स का देखोगे मेहडी ने एक बार, मुस्ताफिजुर ने दो बार, खालिद ने एक बार, टॉम ब्लंडर, हसन महमूद ने एक बार, रचिंद्र रविंद्र नशुम ने एक बार और मेहडी हसन ने एक बार। तो कुछ खास बड़े मैचअप नहीं है, ओवरऑल कुछ ठीक ठाक है। फिन एलन ने थोड़ा सा स्ट्रगल किया है मुस्ताफिजुर के सामने, दो बार उनको अपनी विकेट दी है। टीम मैंने कैसी बनाई देखिए, लिटन दास को रखा, निकल्स को रखा, फिन एलन को रखा। आप चाहो तो निकल्स को ड्रॉप कर सकते हो। रचिंद्र रविंद्र कैप्टन, मकोन्ची रखा, मेहडी हसन को रखा, उसके अलावा ट्रेंट बोल्ट को रखा, इस शोडी को मैंने वाइस कैप्टन से दी, मुस्ताफिजुर रहमान, नशुम अहमद, हसन महमूद। अब यहां पे आप मुस्ताफिजुर की जगह क्या करोगे, मुस्ताफिजुर की जगह आप करोगे खालिद अहमद। जी हां, खालिद अहमद को आप है वो मुस्ताफिजुर की जगह अपनी टीम में पिक करोगे। ये चीज आपको करनी है, समझ गए, ये चेंज आप कर सकते हैं। देन आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, पसंद आया तो लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।